बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बनाएंगे ब्रेड से मिठाई, बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त। इसी तरीके से हम बनाना बताएंगे। वीडियो को अपने एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, शुक्रिया। देखें जी, जहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्रेड जब ब्रेड के अपने दो दो पीसेस करके, जहाँ एक एक पीसेस करके इसके किनारे लहदा कर देने। ये देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किनारे हम हटा देंगे। बहुत ज़बरदस्त मौसम बरसात का, और ये वाली मिठाई इस ब्रेड की हो तो मज़ा ही आ जाता है, बहुत मज़े की बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी। इसके किनारे उतार देंगे। किनारों को आपने ज़ाया नहीं करना, इसके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। अब हमने क्या करना है, पीसेस को काट लेना दरमियान से इस तरह। अब हम इधर से काटेंगे, इस तरह से हमारे पीसेस कट जाएंगे। दूसरे ब्रेड के भी किनारे काट लूँगी। आप बेशक एक एक ब्रेड करके काट लें या दो दो करके काट लें, इसी तरह आपने काट लेने सारे। इस तरह ब्रेड के किनारे लदा कर लेंगे। इधर हमने ब्रेडों के किनारे तार के इसकी कटिंग कर ली। ज़्यादा घी डाल के इसको फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आप पसंद करते हैं ज़्यादा घी खाना तो फ्राई कर ले लें, नहीं तो आपने क्या करना। मैं तो इस तरह एक पीस को उठाऊंगी और इसको दोनों साइडों पर इस तरह देसी घी लगाती जाऊंगी। आप डालडा घी भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमने इसको पैन के अंदर रोस्ट करेंगे। ये देखिए, मैं इस तरह से सारे पीसेस को लगा लूँगी दोनों साइडों पर। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आप अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो आप पैन के अंदर थोड़ा ज़्यादा घी डाल के इनको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लें फ्राई करके। ये देखिए, इस तरह से सारे पीसेस के ऊपर मैं घी लगा के रख दी जाऊँगी। देखें, इसी तरह सारे पीसेस के ऊपर मैंने घी लगा लिया। देखें, माशाल्लाह से सारे पीसेस के ऊपर घी लग चुका है। हम इसको करेंगे तवे पे, जब पैन के अंदर आप कर लें इसको। हमने अच्छी तरह से इसको गोल्डन ब्राउन करना है। पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया। तो हम एक एक पीस को उठाएंगे, इस तरह रखते जाएंगे। तो हमने लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, क्रिस्पी सा। इस तरह सारे पैन के अंदर मैं पीसेस रख दूँगी। अब हम सारे पीसेस की साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया। आपने बिल्कुल इसको ब्राउन करना है। देखिए माशाल्लाह से इस तरह सारे पीसेस की मैं साइडें चेंज करके इसको अच्छा सा कलर दे देंगे। हमने क्रिस्पी सा इसको करना। ये साइड वाले पीसेस अभी नहीं हुए, ये देखें। इस तरह मैं सारे कर लूँगी। आधा लीटर दूध तो मैंने लेके कढ़ाई के अंदर डालकर बॉयल होने के लिए रख दिया। आपने सेम इसी तरह करना। आधा लीटर मैंने फुल फैट दूध लिया, इसको हमने हिलाते हुए पकाना है। इससे हम दूध की रबड़ी मलाई कह लें या खोआ मलाई कह लें, हम इसकी तैयार करेंगे। दूध के अंदर शामिल कर दूंगी 2 पिंच जे सब्ज़ इलायची पिसी हुई, ये शामिल कर देंगे। इसको चारों तरफ से आपने इसकी मलाई को अंदर कर देना, इसको हिलाते हुए पकाना। इस तरह हिलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। अब हम करेंगे शीरा तैयार। यहाँ पर मैं ले आई हूँ 300 ग्राम
ये चीनी मेरे पास 300 ग्राम मैंने चीनी ली, इसके अंदर 150 ग्राम हम पानी शामिल कर देंगे। इसको हम करेंगे शीरा तैयार। शुगर को भी आपने साथ साथ हिलाते रहना। इधर हमारा खोया तैयार हो रहा, खोया भलाई, इसको भी हमने साथ साथ हिलाते रहना। ये दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से हिलाते हुए पकाना है। हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के चीनी ऐड कर देंगे, इसको पकाएंगे थोड़ी देर। और दूसरी तरफ देखेंगे हमारी चीनी की गिलास बनकर भी रेडी हो चुकी है। अब हम चेक कर लेंगे। ये देखें, आपने इसको एक तार या दो तार वाली चास की तैयार नहीं करनी। हमने इसको चीनी को थोड़ा सा चिपचिपा सा करना है। ये देखें, चास हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे। तैयार हो चुका है तकरीबन। ये थोड़ी देर इसको और गाढ़ा करेंगे। हमने इसको मुसलसल अब हिलाते रहना। अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून देसी घी। एक टीस्पून से मैंने कम डाला, तकरीबन आधा टीस्पून मैंने देसी घी का डाला। इससे हमारा ये खोआ मलाई बहुत मुलायम सा हो जाएगा। ये देखें, माशाल्लाह से हमारा खोया मलाई बनकर रेडी है। आपने थोड़ा सा इस तरह सॉफ्ट सा उतारना है, जिससे ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाना। हम इसको उतार लेंगे। ब्रेड, सारी ब्रेड को मैंने इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया। अब हम अपने शीरे के अंदर डालेंगे। 15 से 20 सेकंड तक हमने इसको शीरे के अंदर डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी देर ज़्यादा रख सकते हैं। इस तरह से आपने हिलाते हुए बड़ी सारी छलनी ली, इसके अंदर हम रखते जाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा शीरा हो वो नीचे चला जाए। इस तरह से फिर मैं दूसरे भी डाल दूँगी। दो दो चार चार करके अपने इस तरह डालते जाने और 15 से 20 सेकंड तक अंदर रखने के बाद आपने निकाल लेने। ज़्यादा आपने नहीं रखने। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी हमारे ब्रेड रेडी हुए। इस तरह मैं सारे निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह, सारे पीसेस को हमने इसके शीरा इसके अंदर अच्छी तरह से डिप कर दिया। अब हम इसको प्लेट के अंदर निकालेंगे। देखिए माशाल्लाह से वो करेंगे साइड में। अब हम एक एक पीस को उठाते जाएंगे। ये देखें हमारी रबड़ी भलाई या खोआ भलाई कह लें, ये कितनी सॉफ्ट कितनी मज़े की बनी। अगर आपका खोया थोड़ा मोटा मोटा लगे तो आपने मिक्सी के अंदर डाल के थोड़ा सा चला लेना, इस तरह बिल्कुल मलायम सी हो जाएगी। अब हम एक पीस उठाएंगे, इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे, ये भलाई लगाएंगे, खोआ भलाई, इसके ऊपर दूसरा पीस रख देंगे इस तरह से। जहाँ पर मैंने लिया ये नारियल का बुरादा, इसको नारियल का बूरा बोलते हैं। अब हम इसके अंदर डिप करेंगे इस तरह से, पहले चारों कोने, फिर इस तरह से, फिर ऐसे। बहुत ज़बरदस्त मिठाई हमारी बनकर रेडी होगी। ये देखिए माशाल्लाह से बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरह मैं एक पीस और आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए मलाई, खोया मलाई लगाएंगे इसके ऊपर, फिर दूसरा पीस रखेंगे, चारों कोनों के ऊपर इस तरह पहले लगाएंगे नारियल का बरादा, फिर इसके साइड के ऊपर अच्छी तरह से लगाना। ये देखें माशाल्लाह से। इसी तरह मैं सारी लगा के रखती जाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से। देखें मज़ेदार सी हमारी ब्रेड मिठाई बनकर बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आपको जो हमारी ज़बरदस्त सी बहुत जल्द तैयार होने वाली रेसिपी पसंद आए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।